हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से न्यू वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी के बारे में। काफी सारे मैचेस इस पीपीवी में देखने को मिलने वाले हैं, सब पर नजर डालेंगे कि किस मैच में क्या हुआ, कौन कौन हारा, कौन जीता, वो भी डिटेल्स में, और क्या सरप्राइजेस पीपीवी में हमें देखने को मिले। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। किक ऑफ शो में हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच दिखाई दिया। अच्छा मैच था इन दोनों के बीच, अच्छा एक्शन भी इस मैच में देखने को मिला, बट जीत यहां के स्टाइल क्लैश लगा के एजे स्टाइल ने दर्ज करी, और जीत के बाद गैलोज एंडरसन को बुला के एजे स्टाइल ने सेड्रिक को बुरी तरह मारा। अब शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रॉबर्ट रूड डॉल्फ जिगलर के बीच रॉ टैग टीम टाइटल मैच से हुई। ब्रॉन स्ट्रोमैन और रूड ने मैच की शुरुआत करी। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रूड को जो उठा के फेंका, उन्होंने जाके डॉल्फ को टैग दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसके बाद टैग सेथ रॉलिंस पर आया। सेथ रॉलिंस ने अटैक करा, बट डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड ने भी सेथ रॉलिंस पर पकड़ बनाना शुरू करी। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके फिर तहलका मचाया। सेथ रॉलिंस ने मूव लगाया, बट एंड में मौका देखकर रूड ने सेथ रॉलिंस पर मूव लगा के मैच जीत लिया और गए न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद हमें बेले वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और शार्लेट ने बेले पर जबरदस्त अटैक करा। बेले ने भी पलटवार करने की कोशिश करी, बट शार्लेट ने उसे फेल करा। मैच काफी छोटा दिखा इन दोनों के बीच। बेले ने शार्लेट को टर्न बकल पर देके पिन करा और मैच जीत लिया और टाइटल लेके झट से वहां से भाग गई। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस रिवाइवल के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। डासन और जेवियर ने इस मैच की शुरुआत करी। जेवियर ने अटैक करा और रिंग कॉर्नर पर खड़े डैश वाइल्डर को भी उन्होंने मारा। इसके बाद डासन ने जेवियर के नी को टारगेट करा। अब बिगी को टैग मिला और आते ही रिवाइवल ने उन पर अटैक कर दिया। बिगी पर दोनों हावी हो गए। जैसे तैसे बिगी ने बैली टू बैली देके जेवियर वुड को टैग दिया। रिवाइवल ने जेवियर की नी से पैड हटाकर सबमिशन लगाया और टैप करा के टाइटल जीत लिया और वो बन गए न्यू स्मैकडाउन चैंपियंस। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस निक्की क्रॉस वर्सेस मैंडी रोज सोनिया डेविल के बीच WWE वुमेन टैग टीम मैच दिखा। मैंडी और क्रॉस ने मैच की शुरुआत करी। मैंडी ने निक्की को पटकनी दी, बट इसके बाद निक्की ने मैंडी की हालत खराब करके रख दी। टैग सोनिया को मिला और उन्हें भी निक्की ने मौका नहीं दिया। अब ब्लिस और मैंडी रोज आमने सामने आए। दोनों में थप्पड़बाजी भी देखने को मिली। तभी आर्ट्रूथ और सुपरस्टार रिंग में आ गए 24/7 टाइटल के लिए। ब्लिस ने आर्ट्रूथ को पिन करना चाहा, बट वो बच के भाग गए। मौका देखकर सोनिया ने ब्लिस पर पकड़ बनाई और तबियत से उन्हें मारा। मैंडी जीत के काफी करीब थी, बट निक्की क्रॉस ने आके उन्हें रोका और मैंडी को पिन करके मैच जीत लिया और टाइटल बचा ले गई। इसके बाद हमें शिंचके नाकामुरा वर्सेस मिस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। सेमी ज़ेन रिंग साइड कमेंट्री करते नजर आए। नाकामुरा ने शुरू में बढ़त बनाने की कोशिश करी, बट मिस ने उसे फेल करते हुए मूव लगाए। नाका ने फिर मिस पर अटैक करा, बट कुछ टाइम बाद मिस ने नाकामुरा पर मूव लगाए। मिस ने अपना फिनिशिंग मूव भी नाकामुरा को लगाया, बट सेमी ज़ेन ने इस मैच में दखल दिया और रेफरी का ध्यान हटाया। इसका फायदा नाकामुरा ने उठाया और टाइटल बचाते हुए मैच जीत लिया। इसके बाद हमें बैकी लिंच वर्सेस शाशा बैंक्स के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। शाशा बैंक्स ने शुरू में ही अटैक करने का ट्राई करा, बट बैकी लिंच ने जबरदस्त पलटवार करते हुए बैंक्स को शुरू में ही काफी मारा। बैंक्स ने मार खाने के कुछ टाइम बाद वापसी करते हुए बैकी लिंच पर वार करा। इसके बाद दोनों साइड से बराबर की फाइट दिखी। अच्छा एक्शन दिखा इस मैच में। दोनों ने एक दूसरे पर अपने सबमिशन मूव भी लगाए। बैंक्स ने चेयर मारकर मैच जीतने की कोशिश करी, बट बैकी के मूव से रेफरी गिरे और उसके बाद बैकी ने बैंक्स पर चेयर से ताबड़तोड़ अटैक करा। शाशा बैंक्स फैंस के बीच से भागना चाह रही थी, बट बैकी ने उन्हें पकड़ा और फिर मार दी। दोनों रिंग के पास वापस आईं, तो शाशा बैंक्स ने बैकी को मारा और रिंग में आते ही फिर से बैकी लिंच ने शाशा बैंक्स को चेयर से कूट डाला और चेयर्स में फंसा के डिसआर्म लगा दिया। ऑफिशियल ने आके बीच बचाव कराया। डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए यहां बैकी लिंच की जीत हुई। बैकी लिंच ने अपनी पड़ी मार का बदला शाशा बैंक्स से ले ही लिया। इसके बाद हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। शुरू से ही रैंडी ऑर्टन ने कॉफी पर अटैक करा। कुछ टाइम बाद कॉफी ने वापसी करी, बट रैंडी ऑर्टन रिंग के बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद रैंडी ऑर्टन ने रिवर्स मूव करके कॉफी किंगस्टन को मारा और रिंग के बाहर फेंक दिया। रैंडी ऑर्टन ने कॉफी किंगस्टन को टेबल पर भी पटका। कॉफी इस टाइम वापस की कोशिश करते रहे, बट रैंडी ने मौके नहीं दिए। कॉफी किंगस्टन ने जैसे तैसे मौका बनाया और रैंडी ऑर्टन पर पलटवार करा। रिंग और रिंग साइड दोनों जगह यहां अच्छा एक्शन देखने को मिला। दोनों ने लास्ट में बराबर की टक्कर दी, बट एंड में कॉफी किंगस्टन ने रैंडी ऑर्टन को हराकर मैच जीत लिया और टाइटल बचा लिया।
इसके बाद हमें रोमन रेंस वर्सेस एरिक रोवन के बीच मैच दिखा। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हुआ। एरिक के रिंग में अंदर आने से पहले ही रोमन ने जबरदस्त अटैक एरिक पर कर दिया। रिंग साइड एक्शन कंटिन्यू था, बट तभी एरिक ने स्टील स्टेप से रोमन रेंस पर अटैक करा। रोमन रेंस ने इसके बाद कैंडो स्टिक मारकर वापसी करना चाहा, बट वो नहीं कर पाए और दोनों फिर फैंस के बीच जाके लड़ते हुए दिखाई दिए। रोमन ने एरिक पर पलटवार तो करा, बट एरिक ने फिर वार करा। एरिक काफी हावी दिखे इस मैच में। अच्छा एक्शन इस मैच में देखने को मिला, जमकर मारदार दिखी। एरिक रोमन को ढेर करके स्टेज पर ले गए और रोमन ने वापसी करते हुए सुपरमैन पंच दिया और स्टेज से रैंप पर एरिक को वो स्पीयर देने ही वाले थे, तभी ल्यूक हार्पर ने वापसी करते हुए रोमन पर अटैक करा और मैच एरिक ने जीत लिया। इसके बाद मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन के मुकाबले सेथ रॉलिंस के मूव ब्रॉन स्ट्रोमैन पर कम इंपैक्ट कर पा रहे थे। अब दोनों रिंग साइड आए, सेथ रॉलिंस के मूव से ब्रॉन स्ट्रोमैन अनाउंस टेबल पर गिरे और सेथ रॉलिंस ने सुपर किक दी। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सेथ रॉलिंस का मूव स्लीपर होल्ड भी काटा और सेथ रॉलिंस के 3 कर्ब स्ट्रॉम को भी किक आउट कर दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन अब सेथ रॉलिंस को रनिंग पावर स्लैम देने ही वाले थे, बट पता नहीं उनके नी में कुछ प्रॉब्लम आई। सेथ रॉलिंस ने मौका देखा और कर्ब स्ट्रॉम देके मैच जीत लिया और टाइटल बचा लिया। शो यहीं खत्म नहीं हुआ। स्टेज पर द फेंड यानी कि ब्रे वाइट ने आके सेथ रॉलिंस पर पूरी तरह अटैक कर दिया। यही आज का एपिसोड खत्म हुआ। ल्यूक हार्पर की काफी लंबे टाइम वापसी आखिरकार देखने को मिली गई, जिसकी उम्मीद भी थी, बट टाइटल में वो चेंज हुए जिसकी उम्मीद शायद कम थी। वहीं रिवाइवल के रॉ में होते हुए उन्हें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बना दिया गया। मैंने कहा था ये WWE है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फैंस रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनते हुए नहीं देख पाए, जो सबसे ज्यादा टीज हो रहा था। द फिंड के अटैक करने के चांसेस काफी थे और हुआ भी कुछ वैसा ही, और ऐसा करके सेथ रॉलिंस वर्सेस फिंड के बीच एलएनएस सेल का मैच ऑलमोस्ट सामने आ ही गया है। वैसे आपको कैसा लगा आज का पीपीवी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।